एक ईमानदार ऑफिसर को चकनाचूर करने के लिए, एक सुपरस्टार के बेटे को ड्रग्स केस में जेल से बाहर निकलवाने के लिए, पूरी एनसीबी की टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए कितनी गंदी और घिनौनी साजिश रची गई। इसे देखकर तो बड़े बड़े फिल्म स्क्रिप्ट राइटर्स भी चौंक जाएंगे। ऐसी साजिशें आज तक सिर्फ फिल्मों में देखी गईं, मगर पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह समीर वानखेड़े को दबाने के लिए पूरी पटकथा तैयार की गई, जिसमें कानून और कोर्ट का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। मगर कहते हैं ना, सच को छुपाया नहीं जा सकता, और अब मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई बेहद हैरानी भरा है। मुंबई पुलिस ने एनसीबी को और समीर वानखेड़े को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने पिछले 2.5 महीने में गहराई से जांच करने के बाद समीर वानखेड़े और उनकी टीम को क्लीन चिट दे दी है और आर्यन केस को सही ठहराया है। मुंबई पुलिस का ये खुलासा आर्यन खान समेत क्रूज ड्रग केस में सभी आरोपियों के लिए खतरे का सायरन माना जा रहा है। तो ऐसा क्या खुलासा किया मुंबई पुलिस ने और कैसे समीर वानखेड़े को मिली क्लीन चिट आर्यन खान के लिए मुसीबत ला सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की भारी बदनामी हुई थी। मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को शुरू से ही सुसाइड करार देती रही, जबकि सुशांत के फैंस लगातार इसे प्लांट मर्डर बताते रहे हैं। खैर, सुशांत केस की जांच तो सीबीआई के पास है, मगर इस दौरान मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। यहां तक कि मुंबई पुलिस पर सुशांत केस से जुड़े आरोपियों की मदद करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसे लेकर करीब 6 महीने तक खूब ड्रामा भी चला और खुद को स्कॉटलैंड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस की खूब मिट्टी पलीत हुई थी। मगर आर्यन खान केस में मुंबई पुलिस ने उस गलती को नहीं दोहराया और अपनी जांच को बेहद गुप्त रखा और पूरे 2.5 महीने बाद चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी पर समीर वानखेड़े पर एक शख्स प्रभाकरण सेल ने वसूली के आरोप लगाए थे। अपने 8 पेज के हलफनामे में प्रभाकरण सेल ने कहा था कि आर्यन को बचाने के लिए एनसीबी ने और समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ की शर्त रखी थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को पहचाने थे और इसके लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने 50 लाख का टोकन भी दिया था और बाकी की रकम आर्यन की रिहाई के बाद देने की डील हुई थी। इस हलफनामे के बाद तो मुंबई के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जमकर कीचड़ उछाला और बेबुनियाद आरोप लगाए। इतना ही नहीं, सैम डिसूजा नाम के शख्स को भी जबरन इस केस में लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो भी समीर वानखेड़े के खिलाफ गवाह बन जाए और समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप सिद्ध हो जाएं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये सब आरोप बेबुनियाद और झूठे थे। समीर वानखेड़े या उनकी टीम ने कभी भी आर्यन केस में किसी से भी पैसों की डिमांड नहीं की। 25 करोड़ रुपए, पूजा ददलानी, हलफनामा और सैम डिसूजा सब झूठ है और सब मनगढ़ंत है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है खुद मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस के मुताबिक आर्यन केस में किसी भी तरह की वसूली की बात सामने नहीं आई है, किसी भी तरह के सबूत एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। दरअसल जब 25 करोड़ की बात सामने आई थी और दावा किया गया था कि आर्यन खान को केस से बचाने के लिए शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से 25 करोड़ की मांग की गई थी, तब मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था और वसूली के मामले की जांच शुरू की थी। हालांकि जांच के बाद मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें आर्यन खान केस में वसूली के मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, अगले आदेश तक क्रूज ड्रग केस के संबंध में कथित वसूली के आरोप की जांच को पूरी तरह रोक दिया गया है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था और लगभग 20 लोगों से पूछताछ की थी। अभी तक इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला है और इसीलिए वसूली से संबंधित कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया है। यानी कि आप खुद सोचिए दोस्तों कि समीर वानखेड़े के खिलाफ और आर्यन को बचाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। समीर वानखेड़े की अब तक की बेदाग नौकरी पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए और आर्यन को तो ऐसे पेश किया गया जैसे कि वो कोई नादान बेचारा बच्चा है और उसे जबरन गिरफ्तार किया गया।
वो भी 25 करोड़ के लिए, जबकि ये सब झूठ है और ये बात खुद मुंबई पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है। तो क्या अब आर्यन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या आर्यन समेत तीनों आरोपी फिर से एनसीबी के रडार पर आ सकते हैं? और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो मुंबई में अक्टूबर के महीने से ही आर्यन खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आर्यन खान को ड्रग केस में समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया और तब के बाद से ही लगातार कुछ लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो कुछ ने कहा कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड से ड्रग का पर्दाफाश कर रहे हैं। आर्यन खान की चैट्स को लेकर भी कई बातें आईं। हालांकि बाद में आर्यन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन यहां पर बड़ी बात ये थी कि लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। लोअर कोर्ट से आर्यन खान को मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब आर्यन को जमानत मिली तो इस दौरान लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई दावे कर रहे थे, कई खुलासे कर रहे थे और यहां तक कह दिया था कि अब समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। मामला बेहद संगीन हो गया। समीर वानखेड़े को आर्यन की जांच से हटाकर दिल्ली से आई टीम को जांच सौंप दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, एक बार फिर पूरा मामला पलटता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक के जेल जाने की तैयारी हो गई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद नवाब मलिक ने बताया है। और ये सब कुछ तब हुआ जब नवाब मलिक ने बिना शर्त के समीर वानखेड़े से माफी भी मांग ली। अब माफी में नवाब मलिक ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, कब होगी गिरफ्तारी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले अपनी गिरफ्तारी को लेकर नवाब मलिक क्या बोले वो देखिए और समझिए। नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ, नवाब मलिक ने ट्वीट किया, साथियों सुना है मेरे घर आज या कल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अब यहाँ पर नवाब मलिक का सरकारी मेहमानों से साफ साफ मतलब केंद्रीय जांच एजेंसियों से था। नवाब मलिक का साफ कहना था कि जांच एजेंसियां उनके घर आने वाली हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। और साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये भी लिखा कि डरना नहीं है क्योंकि रोज मरने वाली कंडीशन है। अब नवाब मलिक का ये ट्वीट ठीक उस माफी के बाद आया जो कि नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने सरेआम एफिडेविट देखकर, जी हाँ ऐसे वैसे नहीं बल्कि एफिडेविट हलफनामा देखकर समीर वानखेड़े को लेकर माफी मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, समीर वानखेड़े पर पब्लिकली कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया, माफी मांगी और वो भी बिना शर्त।